भारत में गाय को माता कहा जाता है। यहाँ हिंदुओं के हर घर में सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनती है। यह तक कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए गाय की पूजा की जाती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जिसकी हम पूजा करते हैं वो दूसरों का जुठान खाना खाती है। एक समय की बात है, माता पार्वती और भगवान शिव समुद्र किनारे घूम रहे थे। तभी भगवान शिव के मन में शरारत सूझी और वे बहाना बनाकर वहां से चले गए। लेकिन माता पार्वती ने उसी दिन भगवान शिव के लिए व्रत रखा था, जिसमें माता पार्वती खाना तो किया पानी भी नहीं पी सकती थी। दिन भर की प्रतीक्षा के बाद भगवान शिव वापस नहीं लौटे, तब माता पार्वती ने समुद्र की रेत से शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करके उसे विसर्जित कर दिया। जब भगवान शिव ने माता से पूछा कि तुमने मेरी पूजा क्यों नहीं की, तब माता ने पास में खड़ी गाय की ओर इशारा करते हुए कहा कि स्वामी, आपकी अनुपस्थिति में मैंने शिवलिंग की पूजा करके उसे विसर्जित कर दिया, जिसके साक्षी यह गाय है। जब भगवान शिव ने गाय से पूछा तो गाय ने यह कहते हुए झूठ बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं पता। तब माता पार्वती ने गोद में आकर गाय को यह श्राप दे दिया कि कलयुग में एक दौर ऐसा भी आएगा जब तुम्हें लोगों का जूठन खाना पड़ेगा और जुल्म सहना पड़ेगा।